दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि करोड़ों साल पहले जीवन आज के मुकाबले कहीं ज्यादा भयंकर होता था। आज के छोटे से स्पाइडर्स भी उस समय इतने बड़े होते थे कि वे हमें कच्चा ही निगल जाएं। धरती से लेके आसमान तक इतने बड़े डायनासोर घूमा करते थे कि उस समय इंसानों के जीवन की कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन जैसे ही हम धरती से समंदर की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ जीवन और भी कठिन हो जाया करता था। अगर हम उस समय के समंदर के अंदर डाइव मारें तो हमें हर जगह विशालकाय खतरनाक जीव एक दूसरे का शिकार करते हुए नजर आते। लेकिन सबसे ऐतिहासिक दृश्य वह होता अगर समंदर के दो सबसे ताकतवर जीव आपस में भिड़ते हुए नजर आते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेगालोडॉन और मोसासॉरस की। इन दोनों जीवों की लड़ाई उतनी ही ऐतिहासिक होती जितनी की जस्टिस लीग वर्सेस एवेंजर्स की। एक तरफ होती मेगालोडॉन, जिन्हें सबसे ताकतवर शार्क माना जाता था, वहीं दूसरी तरफ एक मोसासॉरस होता, जिन्हें एक्वेटिक रेप्टाइल का राजा का दर्जा दिया जाता है। हालांकि इतिहास में इन दोनों भयंकर जीवों की लड़ाई कभी भी नहीं हुई, क्योंकि दोनों के अस्तित्व में 5 करोड़ साल का फर्क था। वैज्ञानिकों को मिले फॉसिल से हमें यह पता चलता है कि इस धरती पे मोसासॉरस पहले आए, लेकिन क्रिटेशियस पीरियड के अंत में धरती पे ऐसी महाप्रलय आई जिसने मोसासॉरस को खत्म कर दिया और समंदर का सबसे खतरनाक जीव इस धरती से विलुप्त हो गया। लेकिन इनके जाने के बाद समंदर में रहने वाली छोटी शार्क, जिन्हें मोसासॉरस अपना शिकार बनाया करते थे, उन सभी ने समय के साथ इवॉल्व किया और 5 करोड़ साल बाद हमें एक ऐसी विशालकाय और शक्तिशाली शार्क देखने को मिली जिसने मोसासॉरस के द्वारा छोड़ी गई खाली जगह को फिर से भर दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों ही जीव अपने समय में सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करते थे, जिन्हें चलती फिरती किलिंग मशीन भी कहा जाता था। कोई जीव इनके सामने आया नहीं कि दूसरे पल ही वे इनका शिकार बन जाया करता था। लेकिन क्या होता अगर एक मेगालोडॉन और मोसासॉरस एक दूसरे के सामने आ जाते? अगर वे एक दूसरे पे हमला करते तो कौन किस पे भारी पड़ता? अगर दोनों के साइज की बात करें तो बिना शक के मेगालोडॉन ही आगे होता, क्योंकि इनका साइज 60 से 70 फीट हुआ करता था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मोसासॉरस छोटे हुआ करते थे, भले ही मेगालोडॉन ज्यादातर मोसासॉरस से कहीं ज्यादा बड़े थे, क्योंकि ज्यादातर मोसासॉरस 15 से 30 फीट के थे। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा मोसासॉर, जिसका नाम टाइलोसॉरस था, उसकी लंबाई 56 फीट हुआ करती थी। ये वही मोसासॉर है जो जुरासिक वर्ल्ड फिल्म में दिखाया गया था। यानी कि अगर एक टाइलोसॉरस मोसासॉर मेगालोडॉन के सामने आ जाए तो दोनों के साइज में हमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मोसासॉरस की लंबाई का ज्यादातर हिस्सा उसकी पूंछ ले जाया करती थी, जिसके कारण उनके बाकी के शरीर में मसल बहुत कम हुआ करता था। वहीं मेगालोडॉन साइज में ज्यादा बड़े होने के साथ साथ ज्यादा भारी और मोटे थे, यानी कि मेगालोडॉन की मसल पावर मोसासॉरस के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। लेकिन मोसासॉरस की लंबी पूंछ का यह फायदा था कि मोसासॉर मेगालोडॉन के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, यानी कि वे मेगालोडॉन के हमले से बचने के लिए तेजी से इधर उधर मुड़ सकते थे और दिशा बदल सकते थे। अगर देखा जाए इन दोनों जीवों की लड़ाई आज के समय में शेर और गीदड़ की लड़ाई के समान है। जहाँ मेगालोडॉन एक शेर की तरह थी, वही मोसासॉर एक गीदड़ के जैसा ही अपने फ्लेक्सिबिलिटी के चलते मेगालोडॉन के हमले से बच सकती थी। दूसरी भाषा में कहें तो मोसासॉर का डिफेंस मेगालोडॉन से अच्छा था। लेकिन सिर्फ डिफेंस सिस्टम अच्छा होने से लड़ाई जीती नहीं जा सकती, उसके लिए हमला करने की शक्ति भी होनी चाहिए। और यह बात इस चीज पर निर्भर करता है कि उस जीव के जबड़ों में कितनी ताकत है। मोसासॉरस के दांत मेगालोडॉन के मुकाबले ज्यादा लंबे और नोकीले थे, लेकिन मेगालोडॉन के दांतों की संख्या काफी ज्यादा थी। साथ ही इनका जबड़ा बहुत विशाल हुआ करता था, जो कि मेगालोडॉन के बाइट फोर्स को इस धरती पे सबसे शक्तिशाली बनाता है। और क्योंकि मेगालोडॉन का शरीर काफी मोटा था, जिसके कारण मोसासॉर के जबड़े का एक हमला मेगालोडॉन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी और उसे मेगालोडॉन के शरीर पे बार बार हमला करना पड़ेगा, वो भी मेगालोडॉन के हमले से बचते हुए। मोसासॉरस का जबड़ा आज के सांपों की तरह डबल हिंच्ड हुआ करता था, यानी कि वे एक बार अपने जबड़े से शिकार को पकड़ लें तो चबाने से ज्यादा वे उसे तेजी से निकलने की कोशिश करता था। यही कारण है कि वैज्ञानिकों को कई बार मोसासॉरस के पेट से दूसरे जीवों के आधे चबाए हुए शरीर मिले हैं। लेकिन मोसासॉरस की यह ताकत मेगालोडॉन जैसे जीव पे काम नहीं करेगी, क्योंकि वे 60 से 70 फीट के थे और मोसासॉरस से कहीं ज्यादा भारी भी।
साथ ही जहां मोसासॉरस को बार बार हमला करने की जरूरत थी मेगालोडॉन को थोड़ी सी चोट पहुंचाने के लिए, वहीं मेगालोडॉन के शक्तिशाली जबड़ों के कारण उसे सिर्फ एक बार मोसासॉर को पकड़ने की देरी थी और दूसरे ही पल हमें मोसासॉरस के शरीर के दो टुकड़े देखने को मिलते। हमारे हिसाब से इस लड़ाई का विजेता मेगालोडॉन ही होता, क्योंकि मत भूलिए मोसासॉरस एक रेप्टाइल था और हर एक रेप्टाइल की तरह उसे भी पानी के ऊपर आना पड़ता था सांस लेने के लिए। यानी कि अगर इन दोनों जीवों की लड़ाई पानी के अंदर ज्यादा देर तक चली तो मोसासॉरस को बीच लड़ाई में सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा और इसी समय मेगालोडॉन के पास पूरा मौका होगा मोसासॉरस को नीचे से पकड़ने का और मेगालोडॉन 100% मोसासॉरस के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप हमसे सहमति रखते हैं या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।